हेलो फ्रेंड्स, अर्चना ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल बहुत ही टेस्टी मूली के पराठा। मैंने मूली को अच्छे से धो लिया, धोकर उसका डंठल काट कर हटा दिया। अगर आपका मूली गंदा हो तो आप छीलने से भी छील सकते हैं। मैंने मूली को अच्छे से कद्दूकस करके और थोड़ा स्वाद अनुसार के उस अनुसार से थोड़ा सा नमक ज़्यादा डालकर और मूली का सारा पानी निचोड़ के हटा दिया। उससे हमारा मूली में नमक का मात्रा बिल्कुल सही हो जाएगा। और मैंने मूली के सारा पानी हटाने के बाद मूली को एक प्लेट में डालकर और अच्छे से उसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार हल्दी, लाल मिर्ची, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में अजवाइन, 1 इंच जितना अदरक कद्दूकस करके डाल दिया। उसके बाद 2 से 3 हरी मिर्ची को भी डाल दिया, आप अपने अनुसार हरी मिर्ची डालें। और मैंने 1 मुट्ठी उसमें भुजिया, जिसको हम नमकीन भी बोलते हैं, डाल दिया। इससे 2 फायदे होंगे, एक हमारा पराठा बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा और दूसरा हमारा मूली का जो भी मॉइस्चर होगा वो भुजिया पूरा सोख लेगा और हमारे मूली में पानी नहीं छूटेगा, जिससे हमें पराठा बनाने में बहुत आसानी होगा। मैंने आटे को सॉफ्ट डो गूंथ कर तैयार कर लिया। आटे का लोई मीडियम रखा और लोई में परथन लगाते हुए मैंने आटे का एक पेड़ा बनाकर और तैयार कर लिया। उसमें मूली के स्टफ को अच्छे से हल्के हाथों से डालकर और अच्छे से भर दिया। अच्छे से भरे, आप ज़्यादा भी भरेंगे तो आपका पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा। अच्छे से भरते हुए फिर से मैंने स्टफ को डालकर लोई को बंद कर दिया। लोई में वापस से फिर से परथन लगाकर और मैंने हल्के हाथों से पराठे को अच्छे से बेलकर और तवे को गर्म करने के लिए छोड़ दिया। उसके बाद मैंने तवे पर पराठा को डाल दिया और डालकर रिफाइन ऑयल लगाकर, आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हैं, और लगाकर मैंने अच्छे से दोनों तरफ से पलट के पराठे को सेक कर तैयार कर लिया। आप इस पराठे को अपनी मनपसंद सब्जी या चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा और बहुत ही सिंपल बहुत ही आसानी से ये पराठा बहुत ही टेस्टी सा बन के तैयार हो जाएगा। बाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।